जो बच्चे एनएस बोर्ड से अक्टूबर 2023 में अपियर होने वाले हैं उनके लिए कुछ अपडेट्स हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए और एनएस बोर्ड की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। एंड हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों के TMA के मार्क्स की। सो बहुत सारे बच्चों के हमारी व्हाट्सएप टीम के पास भी मैसेजेस आ रहे हैं, साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में भी आप अपने TMA के मार्क्स के बारे में पूछ रहे हैं कि हमें TMA के मार्क्स अभी तक नहीं मिले हैं। सो देखो, लगभग 80-90% बच्चों के TMA के मार्क्स उनको मिल चुके हैं, लेकिन आपके अभी तक अगर TMA के मार्क्स नहीं मिले हैं तो आपको थोड़ा सा और वेट करना है। लगभग सितंबर के लास्ट वीक तक आपके TMA के मार्क्स भी आपको दे दिए जाएंगे। तो अगर आपने अपने असाइनमेंट यानी TMA सबमिट कर दिए हैं तो आपको थोड़ा सा वेट और करना है सेप्टेम्बर के लास्ट वीक तक का। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। सो जैसे कि आपको पता है कि 16 सितंबर से आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। काफ़ी बच्चों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, स्मूथली जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके एग्ज़ाम सेंटर पर उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है, उनसे रिश्वत मांगी जा रही है कि आपको जो है प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, आप इतने पैसे दे दो। सो बच्चों, आपको इस तरीके की धोखाधड़ी से, इस तरीके के फ्रॉड से बचना है। आपको टाइम पर अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना है विद योर प्रैक्टिकल फाइल। अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और साथ ही साथ जो आपका वाइवा एंड रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है उसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है। डेफिनेटली आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे अगर आप अपनी सारी चीज़ों को जो है सही तरीके से परफॉर्म वहाँ पर करते हो। तो अब बात कर लेते हैं आपके थ्योरी एग्ज़ाम की और आपके सिलेबस की। सो जैसे कि आपको पता है कि 3 अक्टूबर से आपके थ्योरी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं जो लगभग 8 नवंबर तक आपके चलेंगे। सो थ्योरी एग्ज़ाम में आपका अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने सिलेबस को लेकर के कंफ्यूज हैं कि सिलेबस कौन सा पढ़ें, क्या हमारा सिलेबस चेंज हो गया है, डाउनलोड कहाँ से करें, प्रेपरेशन कहाँ से करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमें नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आप जान लीजिए कि जो अक्टूबर 2023 में बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है और ना ही उनका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। जो सिलेबस आपका बिफर्केशन हुआ है वो अप्रैल 24 के सेशन एंड उसके बाद के सेशन के लिए हुआ है। आपको वही पिछला जो पुराना सिलेबस चला रहा है अक्टूबर 2023 वालों को वही पढ़ना है। अब सिलेबस कहाँ से मिलेगा? सिलेबस के लिए आपको NIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर आप अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, या फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा। इसके अलावा प्रिपरेशन हम कहाँ से करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमें नहीं मिल रहे हैं। सो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऑलरेडी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं, आपका कंप्लीट सिलेबस हमने यूट्यूब पर पूरा करवाया हुआ है। सो वीडियोस देख करके भी आप अपने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है, क्लास 10th के लिए भी, 12th के लिए भी, बस आपको चेक करना है ठीक से चैनल पर जाकर के, तो आपको काफ़ी सारा कंटेंट वहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चों के पास बुक्स भी उनकी डिलीवर नहीं हो पाई हैं, सो इस सिचुएशन में बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि हम प्रिपरेशन आखिर कहाँ से करें। सो बच्चों, अगर आपको अभी तक बुक्स नहीं मिली हैं सो उस सिचुएशन में आप गाइड्स भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि कौन सी गाइड बेस्ट है, हमें कौन सी गाइड परचेज करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि गाइड्स में आपको क्वेश्चन प्लस आंसर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसमें आपको ढूंढना कुछ नहीं पड़ता, प्लस उसमें आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं, सारा एग्जाम का पैटर्न आपके सामने होता है। तो अगर आपको जो है गाइड समझ में नहीं आ रही हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। हम आपको बताएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट की कौन सी गाइड परचेज करनी है। इवन आप हमसे गाइड परचेज कर भी सकते हैं, जिस पर आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। इसके अलावा NIS बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए, जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके देखें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हैं और कितने टाइम में आप उस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारे ऐप पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर आपको उनका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। हमने ऐप पर काफ़ी सारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलाई हुई हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं, जिनकी डेमो वीडियोज अवेलेबल हैं, तो डेमो वीडियो देख करके आप किसी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। बाकी अक्टूबर 2023 वाले बच्चों के सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोज़ मैं अपलोड कर रही हूँ, जैसे कि हिंदी का, इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर भी हमारे चैनल के थ्रू मिल रही हैं और साथ ही साथ हमारे ऐप पर भी मिल रही हैं। सो तैयारी आप अपनी जारी
जारी रखिए। आई नो कि काफ़ी सारे एनआईएस के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर टाइम नहीं होता स्टडी का, कुछ वर्किंग वुमेन होती हैं, हो सकता है आप लोग ऑफिस जा रहे हो या फिर हो सकता है आपको कुछ और काम हो, तो प्रॉपर टाइम आपको अगर नहीं मिल पा रहा है स्टडी का, सो इट्स अ हाई टाइम कि आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा। एटलीस्ट दिन में कम से कम 2 घंटे आपको निकालने होंगे क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। सो थोड़ा सा अभी आपको एक्टिव होना है, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है और अच्छे से अपने प्रिपरेशन को करना है स्टार्ट। इसके अलावा आपको पता है कि जो बच्चे प्रैक्टिकल दे रहे हैं उनको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी पड़ती है। अगर किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल फाइल आपको हैंड रिटन रेडीमेड चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे आपके हॉल टिकट की, यानी थ्योरी एग्जाम का हॉल टिकट कब तक आएगा। सो एज यू नो दैट 3 अक्टूबर से आप लोगों के थ्योरी एग्जाम स्टार्ट हैं। सो प्रैक्टिकल के हॉल टिकट को लेकर के भी काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि कब आएगा और कहाँ से हमें डाउनलोड करना है। सो देखिए सितंबर के लास्ट वीक तक आपका जो है थ्योरी एग्जाम का हॉल टिकट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसको डाउनलोड कैसे करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे, और जैसे ही हॉल टिकट डिक्लेयर किया जाएगा तुरंत आपको यहाँ से वीडियो मिल जाएगी। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रखें अगर अभी तक नहीं किया है तो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो फाइनल मार्कशीट आपके हाथ में आएगी उसमें आपके TMA, आपके प्रैक्टिकल और आपके थ्योरी एग्ज़ाम, इन सभी के मार्क्स को इंक्लूड करके तब आपकी प्रॉपर मार्कशीट आपको फाइनल होकर के मिलेगी। सो इसलिए आई होप आपने अपने TMA तो सबमिट कर दिए होंगे, अभी आप फोकस करिए अपने प्रैक्टिकल एग्जाम पर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के लास्ट में आपको अपने थ्योरी एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं छोड़ना, वैसे एग्जाम रिलेटेड आपको टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ से मिलते रहेंगे। सो बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारी व्हाट्सएप टीम के पास भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।